हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम कुकिंग पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम श्रीखंड की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आम श्रीखंड बनाने के लिए हमें जरूरत होगी 3 से 4 चम्मच बारीक कटा हुआ आम। मैंने यहाँ पर एक बड़ा आम लिया है, इसे मैंने रफली कट कर लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट, 2 से 3 चम्मच चीनी और 500 ग्राम दही। चलिए सबसे पहले एक बर्तन ले और इसमें एक छलनी रखकर उसके ऊपर एक कपड़ा रख दे। इसमें हमें दही को छानना है। मैं यहाँ पर सूती कपड़े का इस्तेमाल करूँगी, आप चाहे तो किसी मसलिन क्लॉथ में भी इसे छान सकते हैं। उसके बाद इसके चारों कोनों को पकड़कर हमें इसे हल्का सा प्रेस करना है और इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। ये देखिए, आप इसे ऐसे चारों तरफ से हल्का हल्का प्रेस करते रहें और इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दें। अब इसे हमें 1 से 2 घंटे के लिए कहीं पर भी टांग देना है, जिससे जो इसमें बचा हुआ पानी है वो भी निकल जाए। यहाँ पर एक जार लेंगे और उसमें हमें कटा हुआ आम डालना है। अब उसमें चीनी डालें और इनको ब्लेंड कर लें। ये देखिए, हमारे जो मैंगो प्यूरी है वो तैयार है। इसे भी हमें फ्रिज में रखना है करीब 1 घंटे के लिए। एक घंटे के बाद दही को निकालकर एक बर्तन में डालें। दही का पानी निकालने के बाद देखिए दही जो है वो कितना थिक हो गई है। अब इसे दही को एक बार फेंट ले। देखिए हमने जो दही है वो अच्छे से फेंट ली है। अब इस दही में हम मैंगो प्यूरी डालेंगे। आप चाहे तो पहले थोड़ी मैंगो प्यूरी डालें, उसके बाद बची हुई मैं यहाँ पर सारी एक साथ डाल दूंगी। उसके पास में कटे हुए ड्राई फ्रूट डालकर इनको एक बार अच्छे से मिला लें। ये देखिए, हमारा जो आम श्रीखंड है वो तैयार है। बस अब इसे ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर बाउल में निकालूंगी। आम श्रीखंड ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए आम डालें। और थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ से गार्निश करें और ठंडा ठंडा इसे सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।